जय हिंद। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। और अच्छे पढ़ाई चल रही है तब यहाँ पे टॉप 10 आपके सामने मौजूद है। और टॉप 10 में जो स्टूडेंट आए हैं, जैसा कि आप सभी को हम बता दें कि जो गांधी मैदान में टेस्ट हुआ था पहला टेस्ट, तो उसमें जो टॉप 10 में आए हैं वो सभी अभी उपस्थित हैं यहाँ पे क्लास में। तो बारी बारी से उनको बुला करके पुरस्कृत किया जाएगा आपके सामने। और आप लोगों के पास भी हम लोग आने वाले हैं, किन्हीं ना किन्हीं जिला से आप लोग भी होंगे, तो आप लोगों को भी क्या करना है कि बढ़ चढ़ करके भाग लेना, अपने जिला का इंतजार करते रहना है कि जिस जिला में हम लोग जाएंगे उससे पहले आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा और वहाँ पर आप लोग को क्या करना है कि बढ़ चढ़ करके भाग लेना है और उस टेस्ट में टॉप 10 में आने का प्रयास करना है। अगर यहाँ पर आप टॉप 10 में आते हैं तो वहाँ पर आप रिजल्ट पाएंगे, ये चीज़ फिक्स है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और सर हाँ, तो जो गांधी मैदान में पहला टेस्ट हुआ था ओपन टेस्ट, और दूसरा जो टेस्ट होने वाला है NIT पटना घाट पर, वैसे तो पता चला है कि छठ है लेकिन सुबह में नहीं है, इवनिंग में है और उसके अगले दिन सुबह में, तो आप लोग को आना है। एक अभी जो टॉप 10 है, एक छोटा से उनको मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ हम लोग पुरस्कृत करते हैं सामने लाकर लड़कों को, कि कंपटीशन में एक तो बने रहे, मनोबल बढ़ा रहे और आगे के भी जो टेस्ट होने वाले हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। वैसे आपको टेस्ट होते रहेंगे लेकिन जिले वाइज जो टेस्ट होने वाला है उसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। हर जिले के अभ्यर्थियों को मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि हर जिले से टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, तो आपको किसी और जिले में जाने की जरूरत नहीं है, जल्दी लिस्ट आपको मिल जाएगा कि किस जिले में कब टेस्ट होने वाला है। तो आप सभी लोग ये बात को ध्यान में रखिएगा कि हर जिले से हमको 15 लोगों को टच में आना है, यानी कि टॉपर को, और वो 15-15 लोग जो 3800 जिले के होंगे, पटना में दो टेस्ट होगा, पटना बड़ा जिला है इसलिए जनसंख्या के हिसाब से, तो टोटल जितने लड़के आएंगे उनको एक बार पटना में बुलाया जाएगा और कैमरे यानी कैमरे के सामने टेस्ट लिया जाएगा। और हर जिले में भी जहाँ जहाँ टेस्ट होगा मुख्यालय में, हम खुद ही वहाँ पर जाएंगे, मुख्य सर खुद ही रहेंगे और कोशिश रहेगा एक एक दिन में दो दो जिला, तीन तीन जिला, हो सके तो चार जिला भी, अगर कोई जिला में नजदीक छोटा है तो उसे भी एक बार में टेस्ट ले लिया जाए। ठीक, प्राइस में तो आपको पता ही है कि जिले वाला जो टेस्ट होगा उसमें फर्स्ट प्राइस आपको लेना होगा, सेकंड प्राइस टैबलेट है और थर्ड जो प्राइस है, फर्स्ट से लेके 10 तक जो प्राइस है वो मोबाइल है, उसके बाद वाला जो होगा यानी 10 से लेकर 15 तक जो होगा उसका अभी कोई अनाउंस नहीं किया गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, ठीक, और जितने भी आप लोग भी हैं तैयारी में लगे रहिएगा, अपना रैंक बरकरार रखना है। तो अभी जो टॉपर हुए हैं, पहला टेस्ट था ये ओपन टेस्ट स्टडी मोड की तरफ से पटना गांधी मैदान में, एक स्टैचू ऑफ गांधी जी के नीचे आपको ये चीज़ देखने को मिला था, सबसे पहला आप देख सकते हैं कि सबसे ये तो देख लीजिए, सबसे पहले ये तो ओपन टेस्ट हुआ था, ये संडे ओपन टेस्ट होता है क्योंकि संडे को सभी लोग छुट्टी रहता है। और अगला संडे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जन्मदिन पर हम लोग करा रहे हैं और सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा पटना घाट पर 7 बजे सुबह, 7 से लेकर टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 8:30 बजे तक आपका टेस्ट होगा, पहले वाला नहीं, अब नए तरीके से उमर से भी मिलेगा और जस्ट आपके एग्जाम हॉल में जैसे मिलता है उस तरीके से मिलेगा, या उमर से क्वेश्चन पेपर से बाहर होगा, आपको क्वेश्चन पेपर टोटली आपको ले जाना है, उमर से दे देना है और उसका हम लोग जाँच करेंगे, उसके बाद आपका रैंक घोषित करेंगे, उसके बाद आपको जो भी प्रक्रिया चल रहा है उस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कीजिएगा। ठीक, तो ये रहा आपका ये रैंक जो है, यहाँ पर आप सबसे पहले हम सबसे पहले बुला रहे हैं जिनका नंबर है 69, उनका नाम है अंजनी कुमार। एक बार तारीख ठीक है, चलिए ये लो।
ऐसे ही रिदम बनाए रखिएगा और टेस्ट में नंबर लाते रहिए। तो हम दूसरे रैंक वाले अभ्यर्थी को बुला रहे हैं और उनका नाम है आपको धीरज कुमार। आप देख सकते हैं 68 नंबर है, तो देख सकते हैं कंपटीशन कितना। तीसरे में है रोहित कुमार, आ जाइए 66 नंबर। चलिए तो अपने ये सब टोपी लगा कर युद्ध करने जाओगे क्या? लड़का अच्छा है, पढ़ने में ठीक है, हमेशा टॉप करता है। चॉकलेट खा ले, चॉकलेट छूट जा रहा है, बहुत चॉकलेट है। चौथे रैंक है जय कुमार गिरी, आ जाइए। नंबर इसलिए दो लिख भी दिया गया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पांचवे रैंक में है सज्जन कुमार रॉय, साजन या सज्जन दाना साजन, सज्जन भी ठीक ही लग रहा है, सज्जन को ये भी ठीक है, हमेशा आते हैं स्कोर लाते हैं अपने क्लास में, लेकिन रैंक पांच आया है। अगली बार टीम होना चाहिए, तैयारी में लगा रहना, रिवीजन जो छोड़ देते हो गलती करते हैं। छठे रैंक पर है भीम कुमार, आपका नाम है ना, क्या नाम? कमल कुमार, कमल कुमारी है और ये लड़कियों में टॉप की, लड़कियों में टॉप भी है और पहला रैंक आया है लड़कियों में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल रैंक इनका जो है ये सातवें रैंक पर है। आठवें रैंक पर है अंकित कुमार, और देखो जो रैंक बराबर हो गया था ये ऊपर का तीन, वो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार हमने मिलाया, यानी जिसका ज्यादा डेट ऑफ बर्थ होता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है ना। सर दोनों भाई हैं, भाई है, भाई है, भाई है, हाँ दोनों भाई है, टॉपर और आपके पर है ना। अरे एक बार में जब बड़े भैया वन रैंक लाए रहे, दिखता ज्यादा बनता ही है भाई। चलिए तो हम नवे रैंक पर देखते हैं अमीर हुसैन, आ जाइए। ये देखना है कि आगे वाला टेस्ट में आप लोग अपना रैंक बरकरार रखते हैं, इंप्रूव करते हैं, क्या होगा? टॉप 3 में रहेगा सर, टॉप 3 में रहेगा सर। तो भैया रिवाइज किए अचानक, मतलब देखते रहते हैं, तो रिवाइज करते रहो, जिले वाला टेस्ट मैंने बोल दिया है ना। और आज के 10वें रैंक पर है मनीष कुमार झा, आ जाइए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार इनको दिया जा रहा है। लड़का अच्छा है पढ़ने में, पहली बार में दरोगा मेंस तक पहुंचना और कुछ नंबर के लिए छटा हुआ है, क्वेश्चन छोड़ दिया।
किया जाता है समय समय पर लड़कों को मनोबल बढ़ाने के लिए, तो ये आप ही लोगों के लिए था और ऐसे कुछ नहीं था कि इसमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, ओपन टेस्ट है, आप लोग भी आइए, रैंक लाइए और फिर यहाँ पर अपना जो भी है मिलता है उससे लीजिए। जिले वाले के लिए हमेशा तैयार रहिएगा, अगर सच में आप पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो जिले के लिए अभी से आप टेस्ट करने तैयार रहिए। हर जिले का लिस्ट में आपको जल्दी घोषित कर दूंगा कि किस जिले में कब टेस्ट होने वाला है, ठीक। तो जो ऑनलाइन है उनको मैं जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा ये रिकॉर्डिंग वाला बंद कर देते हैं और NIT घाट पर मिलते हैं। तो आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होगा जो भी है क्लास वाले, तो आप जो भी टॉपर हैं अब आप प्रस्थान कर सकते हैं और अगली बार आप लोग NIT घाट पर मिलते हैं ओवर सेट के साथ बेहतरीन टेस्ट का। हाँ, कलम लेकर आइए, कलम अपना देंगे।